गाजीपुर कासमाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। मालूम हो कि SP रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में जिला पुलिस अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत कासमाबाद थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक जयदीप हमराइयों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा लेकर रसूलपुर से आ रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक टीम के साथ रसूलपुर पहुंचे। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पास आने पर जैसे ही पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, वह भागने लगा। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ाकर कुछ ही दूर पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उप निरीक्षक ने बताया, गिरफ्तार तस्कर स्थानीय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 हनुमान मंदिर बहादुरगंज निवासी कृष्णा मधेशिया है। पूछताछ में उसने बताया कि लंबे समय से गांजा तस्करी के काम में लिप्त है। अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल आफ्ताब खान और कांस्टेबल विकास गौतम शामिल थे।